अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है मोहम्मद असरार ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों, हम इस चैनल के खास करके इस वीडियो के माध्यम से आज एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, ये खबर राजस्थान से है और राजस्थान में भगवाधारियों ने किस तरह से अपनी औकात दिखाया और एक गरीब शख्स को पीट पीट कर उसकी जान ले लिया। जी हाँ, इसी वीडियो के बारे में हम ज़रा खुलकर आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने दोस्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस लिंक को शेयर करें। दोस्तों, ये जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राजस्थान का मामला है। वहाँ पर फिर एक दलित युवक की हत्या कर दी गई। दोस्तों, अब ये जातिवादी गुंडों ने कुशाल मेघवाल को बनाया शिकार, यानी कि लड़का जिस लड़के को मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई, उसकी जान ले ली गई। दोस्तों, राजस्थान के अंदर दोस्तों ये जो है दलित लड़का था और इसका नाम कुशल मेघवाल बताया जा रहा है। दोस्तों, आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से इस तरह के घटना सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है तो कहीं दलितों को मारा जा रहा है, तो फिर कहीं जो निचले तबके के लोग हैं इन लोगों को सताया जा रहा है, इन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों, आए दिन आपको इस तरह के वीडियोस को सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिल जाएगा और आप देख भी रहे होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, या फिर यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई सा भी राज्य हो जाए, दोस्तों इस तरह का घटना आखिर क्यों हमारे और आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है या उजागर हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी वजह अगर देखा जाए तो जहां जहां इस तरह का घटना हो रहा है वहां की सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि दोस्तों आए दिन इस तरह के घटना हो रहा है, लेकिन सरकार अंधी हो चुकी है, सरकार बहरी हो चुकी है। आंख रहकर देखकर भी, कान रहकर सुनकर भी वो बहरा और अंधी हो चुकी है। सरकार इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, इन लोगों पर नकेल नहीं कस रही है। यही वजह है कि आए दिन भगवाधारी आए दिन इस तरह के घटना को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, यहां पर हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, यहां पर दलित और महादलित की बात नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर एक इंसान को मारा जा रहा है और इतना बुरी तरह से उसको मारा जा रहा है कि उसकी जान ले ली जाती है, उसका हत्या कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस स्क्रीनशॉट को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको हमारे इस वीडियो को देखकर आपका दिल अगर जरूर ये गवा देता होगा कि राजस्थान में इस तरह से दलित लड़का के साथ जो व्यवहार किया गया वहां पर एकदम गलत किया गया, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, तो दोस्तों आप हमारे ठीक कमेंट बॉक्स में आकर आप मुझे लिख सकते हैं कि ये घटना सही किया या फिर गलत किया गया। दोस्तों, जो भी इस तरह की घटना कर रहे हैं इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर जो है सख्त से सख्त इन लोगों को सजा इन लोगों को होनी चाहिए, ताकि फिर दोस्तों ये लोग इस तरह के घटना को दोबारा अंजाम देने के लिए नहीं सोचेंगे। दोस्तों, इस तरह के नई से नई रिपोर्ट को पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।